तो हे गाइस, कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जिसमें हम रिव्यू करेंगे लॉरियल पेरिस स्किन परफेक्ट एंटी इम्परफेक्शन स्किन व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में, जो कि 20 प्लस एज के लिए। दोस्तों, अगर आप इस क्रीम पर यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो 10 से 15 दिन तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, अगर आपके चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, एक्ने पिंपल्स है, एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ये रिड्यूस करता है और आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। तो गाइस, अगर आपने भी वो वीडियो देखे और आपने सोच लिया इस क्रीम को परचेज करने के बारे में, तो आज की वीडियो आपको पूरे तक देखनी है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसकी प्राइसिंग के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और इसको किस प्रोसेस से आपको यूज करना चाहिए, अगर आपको यूज करना चाहिए या नहीं, और अगर हम इस क्रीम को यूज कर ले तो इसके रिजल्ट के बारे में क्या एक्सेप्ट मतलब की अपेक्षा रख सकते हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है smileyteam07। किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, आप हमें वहां पर बेशक मांग सकते हो। और गाइस, जो आप मुझसे हेल्प मांगते हो, मैं उस हेल्प को क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैं हेल्प करता हूं उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। तो अब आप सोच रहे होगे आपको क्या देना पड़ेगा, तो आपको बस जो मैं हेल्प करता हूँ ना, क्लियर आउट होने के बाद बस आपको एक दिन का खाना उन लोगों को देना पड़ेगा जिनको वन टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। तो आप ये छोटा सा काम जरूर करोगे, मुझे पता। तो गाइस, अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस, लॉरियल पेरिस स्किन परफेक्ट एंटी इम्परफेक्शन जो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें काफी सारे नेचुरल और काफी सारे केमिकलाइज इंग्रेडिएंट्स डाले गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, देख लीजिए आप खुद। इसमें काफी सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स डाले गए, लेकिन कुछ हमारी स्किन के लिए सेफ है और कुछ हमारी स्किन के लिए सेफ भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज करते हो तो आपकी स्किन पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर मैं कंपनी के क्लेम्स, कंपनी के दावे के बारे में बात करूं, तो कंपनी यहां पर यह दावा करती है कि आपकी एक्सिस ऑयल को कंट्रोल करती है, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाती है, आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाती है। देखो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस जानो, अगर आप इस क्रीम को यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो, लेकिन बस एज अ फेयरनेस क्रीम या फिर एज अ फाउंडेशन, जैसे बेबी क्रीम हम यूज करते हैं ना, सीसी क्रीम, उसी टाइप की ये क्रीम है, आपकी स्किन पर एक लेयर बना देगी। जैसे अगर आपका स्किन डार्क है तो एक आपकी स्किन पर व्हाइट लेयर बनाएगी। अगर आपकी स्किन ज्यादा ही डार्क है तो आप इसको परचेस करो ही मत। अगर आपका स्किन मीडियम है, आपका स्किन फेयर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, आपकी स्किन को एक पार्टी लुक देगी। ज्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं है, अगर आप यूज करते हो तो 4 से 5 घंटे तक आपका स्किन फेयर देगा, उसके बाद फिर से आपका फेस डार्क हो जाएगा। तो इतना कुछ इफेक्टिव भी नहीं है। अगर आप इस क्रीम को परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ऑयली स्किन है अगर आपकी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। थैंक यू।